गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत। बांदा जिला जेल में पड़ा था दिल का दौरा। बांदा मेडिकल कॉलेज ने जारी की मेडिकल रिपोर्ट। रात 8:25 पर हार्ट अटैक से हुई मौत। मुख्तार अंसारी के शव का सुबह 11 बजे किया जाएगा पोस्टमार्टम। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पिता की धीमी जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। न्यायिक जांच की मांग की। उमर अंसारी देर रात पहुंचा बांदा जेल। कहा अस्वस्थ होने के बावजूद भेजा गया जेल। पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे हुआ। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के पेरोल के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी जाएगी अर्जी। जनाजे में शामिल होने की मांगी गई इजाजत। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का मुख्तार अंसारी की मौत पर बयान। कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता। मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंच रहे लोग। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों से की अपने अपने घर जाने की अपील। मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी ने भी लोगों से अपने घर जाने की अपील की। फिरोजाबाद में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। इलाके में भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कासगंज में बढ़ाई गई सुरक्षा। शहर के कई इलाके में पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। पुलिस ने कई इलाकों में चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों के लिए तलाशी। सीएम योगी ने एडीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ की बैठक। राज्य में किसी भी हाल में कोई अप्रिय घटना ना होने का किया निर्देश। सीएम योगी ने पुलिस को दिया साफ निर्देश। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के शव को भेजा जाएगा गाजीपुर। कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ 26 गाड़ियों के काफिले में शव भेजा जाएगा। मुख्तार अंसारी को आज मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। कालीबाग में है मुख्तार का पैतृक कब्रिस्तान। गाजीपुर के डीएम डीआईजी और एसपी देर रात कालीबाग के कब्रिस्तान पहुंचे। पूरे इंतजाम का किया गया जायजा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव का विवादित ट्वीट। लिखा मुख्तार अंसारी की मौत संस्थानिक हत्या। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। सुरेंद्र राजपूत ने कहा मुख्तार की मौत की हाईकोर्ट के जज से जांच हो। सुरेंद्र राजपूत ने यूपी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा प्रदेश में जंगल राज देश कानून से चलता है। सजा देने का काम अदालत का है। तेजस्वी यादव ने भी मुख्तार की मौत पर उठाया सवाल। लिखा ये न्याय संगत और मानवीय नहीं, संवैधानिक संस्थाएं संज्ञान लें। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत को बताया अफसोसजनक। लिखा जहर दिए जाने के आरोप के बावजूद सरकार ने उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट विपक्ष। आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगा इंडिया अलायंस। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, ईडी रिमांड तक बढ़ी। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद पैरवी की। कहा बिना आरोप बताए मुझे गिरफ्तार किया। ना मैं आरोपी हूं ना मैं दोषी। केजरीवाल ने कहा क्या 4 बयान सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का भी आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल बोले ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ शराब घोटाला। शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी को पैसे दिए। केजरीवाल के आरोपों पर ईडी का जवाब कानून के सामने सीएम और कॉमन मैन बराबर। सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। बिहार में महागठबंधन के सीटों के बंटवारे का आज होगा ऐलान। आरजेडी दफ्तर में दोपहर 12:15 में होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे गठबंधन के सीटों का ऐलान। कांग्रेस सहित सभी सहयोगी दल के नेता रहेंगे मौजूद। बिहार में आरजेडी ने अब तक 12 उम्मीदवारों के नाम के घोषित। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीट का किया गया ऑफर। आरजेडी कांग्रेस और 9वीं सीट के तौर पर सुपौल दे सकती है। भागलपुर मुजफ्फरपुर बेतिया सासाराम किशनगंज कटिहार पटना साहिब और समस्तीपुर पर बन चुकी है सहमति। पूर्णिया की सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं हुई आरजेडी। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। कहा इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी का लालू यादव पर हमला। कहा लालू यादव गठबंधन के प्रति ईमानदार नहीं रहते। सीट बंटवारे में देरी उनकी पुरानी रणनीति। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगा। चिराग पासवान का बयान। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान। सम्राट चौधरी संजय झा और मंगल पांडे भी आए नजर।
बिहार में 11 की जगह 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। पाटलिपुत्र गोपालगंज काराकाट से भी उतारेगी उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे गुट के 8 उम्मीदवारों का ऐलान। मुंबई दक्षिण मध्य से राहुल शिवाले को टिकट, कोल्हापुर से संजय मंडलिक को उतारा। शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए एक्टर गोविंदा मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का तंज, गोविंदा अब इतने पॉपुलर नहीं रहे, किसी अच्छे एक्टर को लेना चाहिए था। सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, जयंत पाटिल ने गोविंदा ही नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री का अपमान किया। मुंबई साउथ सेंट्रल से लोकसभा के उम्मीदवार राहुल शिवाले पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने गणपति की पूजा के बाद लिया जीत का आशीर्वाद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिली नवनीत राणा, कहा पीएम के 400 पार के नारे में अमरावती का भी होगा योगदान। 3 अप्रैल को वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी, 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। रामपुर से आजम खान के करीबी असीम रजा का नामांकन खारिज, मौलाना नदवी ही सपा के आधिकारिक प्रत्याशी। रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे एसटी हसन, कहा मेरा टिकट कटने के पीछे आजम खान का हाथ। एसटी हसन का टिकट कटने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मैंने पहले ही कहा अखिलेश आपको बी फार्म नहीं देंगे, आपके यकीन नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, आजम खान, जया बच्चन और डिंपल यादव का नाम शामिल। चुनाव प्रचार में जुटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमेठी में घर घर जाकर की लोगों से बातचीत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बोले सीएम योगी, आपने बीजेपी को चुना इसलिए यहां ना तो कर्फ्यू लगता है ना ही अराजकता का माहौल है। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, 5 बार के सांसद और 2 बार के विधायक राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का दावा, 14 की 14 सीट जीतेगा गठबंधन, 1-2 दिन में करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान। झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन में लड़ेगी चुनाव, 13 पर बीजेपी और गिरनी सीट से आजसू का उम्मीदवार होगा। सीपीआईएम में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, केरल की 15 और बंगाल की 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। ओडिशा बीजेपी में शामिल हुए बीजेडी नेता भृतृहरि मेहताब, कटक से 6 बार के सांसद। भृतृहरि मेहताब के साथ दमयंती बेसरा और सिद्धांत महापात्रा भी बीजेपी में हुए शामिल। विनोद तावड़े ने कहा ओडिशा के राजनीतिक हालात बदले, इस बार ओडिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, पूर्वोत्तर का समाधान बीजेपी के मार्फत की संभव है, भृतृहरि मेहताब का बयान। वकीलों की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, लिखा डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति रही, देश के प्रति जिम्मेदारी से बच रही है कांग्रेस। बिल गेट्स से बातचीत में बोले पीएम मोदी, मैं महिलाओं के हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं। क्लाइमेट के सवाल पर बोले पीएम, हमारी सरकार ने प्रगति के पैरामीटर क्लाइमेट फ्रेंडली बना रखे हैं। चेन्नई में एक क्लब का फॉल सीलिंग गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत, मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद, छत का मलबा हटाया गया। मरने वाले 3 शख्स क्लब के मेंबर हैं। पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुटी, गुरुवार रात करीब 9:30 बजे हुआ हादसा। हैदराबाद के आसिफ नगर में पार्किंग में लगी आग, भारी संख्या में गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, कई बाइक जलकर खाक, आग लगने की हो रही जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 25 लाख रुपए कैश बरामद किया, चेकिंग के दौरान कार से मिले रुपए। पुलिस कैश ले जा रहे लोगों से कर रही पूछताछ, वैध डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से जब्त किया गया कैश। सीओ जिला पंचायत कमेटी आरोपियों से कर रही है पूछताछ। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 तक रुपए ले जाने की अनुमति, उससे अधिक रुपए ले जाने पर दिखाना होगा कागजात। राजस्थान के राजसमंद में 71,80,000 रुपए बरामद, पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया बरामद, रुपयों को बस लेकर जा रहे थे शख्स। पुलिस की पूछताछ में शख्स ने नहीं दी कोई जानकारी, पुलिस ने रुपयों की जानकारी आयकर विभाग को दी, रुपए ले जा रहे शख्स के पास नहीं मिला कोई कागजात। यूपी के मथुरा में शख्स की जलने से मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। परिवार वालों ने जलाकर मारने का आरोप लगाया, नाराज परिवार वालों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा, पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने हाईवे को बाद में खाली किया, घंटों बाद ट्रैफिक हुआ बहाल। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हमलावरों को यूक्रेन ने पैसों से मदद की थी, रूसी जांच कमेटी का दावा। रूसी जांच एजेंसी ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार करने का दावा किया, अब तक 11 संदिग्ध किए गए गिरफ्तार। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी, अब तक 143 लोगों की हो चुकी है मौत। इसराइल ने हमास के सीनियर नेता रायत तहबद को मार गिराने का दावा किया, कहा शिफा अस्पताल में कार्रवाई के दौरान मारा गया हमास नेता। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर किया रॉकेट अटैक, लिबनान की सीमा से इसराइली शहरों पर दागे रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी फंड रेजर के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे, बाइडेन के साथ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मौजूद रहे।
बाइडेन और ओबामा के साथ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी फंड रेजर में होंगे शामिल। करीब 2.5 करोड़ डॉलर चंदा जमा होने की खबर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बूथ में लगी आग, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। अमेरिका के बाल्टीमोर ब्रिज को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू। मेरीलैंड प्रशासन ने सरकार ने शुरुआती काम के लिए 6 करोड़ डॉलर की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल बस हादसे के वीडियो आया सामने। एक सीमेंट ट्रक के सामने गलत लेन में आने से पलटी थी बस। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोम्पो में भयानक बस हादसा, बस में सवार 45 लोगों की मौत। इक्वाडोर की जेल हुए हिंसक दंगे में 2 कैदियों की मौत, जबकि 4 कैदी बुरी तरीके से हुए जख्मी। पश्चिमी अमेरिका में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही है बर्फबारी। मडागास्कर के चक्रवाती तूफान और बारिश का कहर, कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। रियान पराग की 84 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी 7 ओवर में 92 रन जोड़े। रियान पराग ने आईपीएल में अपना बेस्ट स्कोर बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। राजस्थान की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 29 रन की पारी खेली। ध्रुव रेल ने 20 रन बनाए। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर ने 49 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत ने 28 रन की पारी खेली। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट झटके। आवेश खान को मिला 1 विकेट। मुजीब उर रहमान चोट के चलते आईपीएल से बाहर। मुजीब की जगह अफगानिस्तान के अला गजनफर केकेआर में शामिल। दिल्ली में नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आगाज। देश भर के 1,300 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया उद्घाटन। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 73 टीमें ले रही हैं हिस्सा। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल बोले, अगली पीढ़ी के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं।